चलिए, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का पूरा प्रोसेस समझ लिए थे, इवन हम इसका एप्लीकेशन समझ रहे थे। और एप्लीकेशन में भी हम पहला एप्लीकेशन तो इसका समझ चुके हैं। और पहला एप्लीकेशन क्या था याद कीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक साइंस। देखिए फॉरेंसिक साइंस का मतलब क्या है कि यह मैं समझ जाएगा कि फॉरेंसिक फॉरेन वाला साइंस, हम वो पर्टिकुलर साइंस डेवलप कर चुके हैं जहां पर हम क्राइम सीन से सैंपल लेकर आते हैं, क्राइम सीन से सैंपल लेके आते हैं और पता करते हैं कि ये किससे मैच करता है। आप ओसामा बिन लादेन वाला जो केस है, मैं पैटर्निटी टेस्टिंग में उसका एग्जांपल बताऊंगा, आपके दिमाग में आएगा वो तो क्रिमिनल था, बिल्कुल वो क्रिमिनल था, लेकिन उसको मारने का अलग ही कहानी था, अभी बताएंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, वो जो मैंने आपको बताया था, जो मेरे सपने में वो केस आया था, इसलिए मैंने आपको उसको एग्जाम्पल ही बना दिया है, वो था आपका क्रिमिनल सीन वाला, क्रिमिनल केस वाला। अच्छा, फिर से ही नेटवर्क वाला प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट जाइए। कैसा वाईफाई खरीद के दिया है हमको, समझ में आ रहा है? तो बढ़िया नहीं है, खरीद के ठीक रहता। मोबाइल से कर रहे थे, ठीक है ना? अब ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप ओसामा बिन लादेन वाला जो मैं केस बताऊंगा वो पैटर्निटी टेस्टिंग में बताऊंगा, रुक जाओ। ये क्रिमिनल्स को पहचानने का डायरेक्ट तरीका है कि हमने तो क्राइम सीन से सैंपल लिया है सस्पेक्टेड पेरेंट्स के साथ, जिसमें शक है हमको, उसके डीएनए के साथ मैच कराएंगे। कैसे कराएंगे? कल एनसीईआरटी वाला डायग्राम समझाया था, ठीक है? तो पहला एप्लीकेशन आपका समाप्त हुआ। दूसरा एप्लीकेशन है पैटर्निटी टेस्टिंग, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बच्चे इसको अक्सर समझ ही नहीं पाते। एक बात बताइए, अगर कोई भी एक पर्सन है, इस पर्सन के पास अगर ह्यूमन है तो इस पर्सन के पास 23 पेयर क्रोमोजोम होगा, यस और नो? होगा ना, जैसे एक जोड़ा है ऐसे ही 23 जोड़ा होगा। कंफर्म है कि इसको एक जोड़ा में से एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम मम्मी से मिला होगा, उसकी मदर होगी उससे मिला होगा उसको, और एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम हर जोड़े में से एक फादर से मिला हो, ये तो कंफर्म है, ये तो हम आज की डेट में जानते हैं बढ़िया से। इसका मतलब इसके अंदर ये वाला क्रोमोजोम एजिटीज मदर से आया है, ये वाला क्रोमोजोम एजिटीज फादर से आया है, ये बात तो सभी को पता है। अब मान लो कि मैंने कोई पर्सन का क्रोमोजोम नंबर 1 का स्टडी करना स्टार्ट किया और मैंने उसका आरएफएलपी बनाया। क्या बनाया उसका? आरएफएलपी। तो उसका आरएफएलपी जो मुझे दिखा, मान लो इस प्रकार का दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोमोसोम, एक बैंड यहाँ आया, एक बैंड यहाँ आया, एक बैंड यहाँ आया, एक बैंड यहाँ आया, एक बैंड यहाँ, ये उस पर्सन का है। मैंने उसका, ए मेल है ये पर्सन, लड़का है, लड़का हो कि लड़की हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेक्स क्रोमोसोम ने डिसाइड करता है। क्रोमोजोम नंबर 1 का मैंने उसका आरएफएलपी यहाँ पे बना लिया, ठीक है? अब मुझे पता करना था कि इसका बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर कौन है, मतलब इसका बायोलॉजिकल पेरेंट कौन। अब ये बच्चा दावे कर रहा था कि नहीं, मैं तो इसी कपल का बेटा बेटा हूं, और एक दूसरा कपल बोल रहा था नहीं वो लड़का झूठ बोल रहा है, भाग गया, उसके बहकावे में आ गया, वो तो मेरा बच्चा है। अब दोनों पेरेंट का क्या किया जाएगा? दोनों पेरेंट यानी कि इधर का भी मेल फीमेल पार्टनर और वो जो दावे कर रहा है उसका, दोनों का डीएनए टेस्टिंग कराया जाएगा, कुल मिला के डीएनए प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। और इस बच्चे का तो करके रख ही लिए। अब जैसे देखो कि मान लो कि दोनों दंपति का, दोनों पेरेंट्स का हमने किया डीएनए टेस्टिंग, उसमें से एक देखो ये फादर का और एक देखो ये मदर का आया। अब बताओ इसमें फादर का जो एक क्रोमोसोम एक जोड़ा है 1 वाला, उसमें एक तो आरएफएलपी का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, जो इसके दोनों में से कोई क्रोमोसोम से मैच नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा है जो मैच कर रहा है। होल्ड कीजिए, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो यहां से थोड़ा बहुत डाउट आया, शायद ये पेरेंट होगा, होल्ड करो। अब आ जाओ मदर में, मदर में 4 को बैंड आया, ऐसा तो कहीं है नहीं, तो ये तो मैच किया नहीं। 2 को बैंड आया, मैच किया है, यहाँ मैच किया है।
यहां से ये पता चला कि ये बच्चा में जो क्रोमोजोम आया है ये तो कंफर्म है कि एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, और क्रोमोजोम वन में कौन सा मदर से आया, कौन सा फादर से आया है ये भी पता चल गया कि ये वाला इसकी मदर से पूरा के तरह पूरी की पूरी तरह मैच कर रहा है और ये वाला फादर से मैच कर रहा है। इसका मतलब यही कपल इस बच्चे का पेरेंट। अब सपोज करो कोई दूसरा कपल जो दावे कर रहा है उसका भी हमने कराया होगा डीएनए टेस्टिंग क्रोमोजोम नंबर वन का ही, सेम क्रोमोजोम पे हम स्टडी करेंगे, तो उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग आया, उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग आया, उसका पैटर्न देखो कितना, ये मेल का मान लो आया, ठीक है, अब मान लो फीमेल का इस टाइप से आया। अब बताओ कहीं से मैच कर रहा है गैस, इसका मतलब ये पेरेंट झूठ बोल रहा है, क्योंकि एटलीस्ट इस मेल का एक क्रोमोसोम तो जाएगा उसमें, क्रोमोसोम नंबर वन का अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फीमेल का भी तो एक क्रोमोसोम जाएगा ना, बच्चा क्रोमोसोम तो पैदा करके नहीं आएगा, खरीद के तो नहीं आएगा, वो तो माए बाप ही देगा ना उसको क्रोमोसोम। हम इस तरीके से पैटर्निस्टी टेस्टिंग कर लेते हैं। ऐसे केसेस आपको कई बार मिलेंगे हॉस्पिटल वगैरह में, मैंने बोला था ना कई बार क्या होता है नर्सेस बच्चों का हेर फेर कर देती है पैसे लेने के लिए, सुंदर बच्चा इधर से उधर कर देती है, तो उस केस में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है। रियल पेरेंट कौन है पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिस टाइम बच्चे का डिलीवरी हुआ नर्सेस ने हेर फेर कर दिया बच्चे का, एट द सेम टाइम दो अलग अलग बगल वाले कमरे में दो लेडी का डिलीवरी हुआ, तो एक सुंदर बच्चा था उसको उठा के इधर रख दिया उसको उधर। अब भाई जो उस टाइम जिसको डिलीवरी हुआ हो तो उस टाइम बेहोश थी, अब उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा ऐसा कैसे आ गया, या मान लो बच्चा विकलांग आ गया, उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा मेरा बच्चा विकलांग कैसे आ गया, तो अब वो क्लेम करेगी हॉस्पिटल प्रशासन, प्रशासन अगर सीसीटीवी रखा है, सीसीटीवी तो रखेगा नहीं ना डिलीवरी रूम में, तो अब हॉस्पिटल प्रशासन के पास एक ही बात बचता है क्या, डीएनए प्रोफाइलिंग कराए दोनों पेरेंट का और बच्चे का, जिससे मैच कर जाएगा वो उसका रियल पेरेंट है। अब आते हैं हम उस केस पर, किस पे, ओसामा बिन लादेन वाला। अब बताइए इस कहानी से क्या पता चलता है, आपको एक बात पता चला कि नहीं चला, इस कहानी से एक बात आपको पता चल गया, कोई भी पर्सन इस दुनिया में अपने आरएफएलपी का 50% सिमिलैरिटी एक पेरेंट से दिखाता है और 50% सिमिलैरिटी अनदर पेरेंट से दिखाता है, मतलब उसका जो भी जीनोम है 23 क्रोमोसोम है ना, 23 जोड़ा, तो 23 क्रोमोसोम का सिमिलैरिटी उसके फादर के साथ होगा और 23 का उसके मदर के साथ। तो आप बोलोगे, आपके मन में आ रहा होगा सर तब तो सारे भाई बहन का आरएफएलपी सेम हो जाएगा, आया डाउट, अब डाउट आया होगा सर, अगर ऐसा है तो हम तो तीनों भाई बहन अपने ही माँ बाप के हैं, और अगर मेरा माँ बाप से 50% मैच कर रहा है तो मेरा भाई बहन का भी करेगा, बिल्कुल सही बात करेगा, लेकिन आप दोनों का आपस में सेम नहीं होगा। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, हाँ बोलो ना, मेरा भी मेरे माँ बाप से 50% आरएफएलपी मैच करता है, और मेरे भाई का भी करता है, मेरी सिस्टर का भी करता है, लेकिन मेरा आरएफएलपी भाई से भी अलग है और बहन से भी अलग, ऐसा कैसे, समझिएगा, क्या केवल क्रोमोसोम नंबर वन का अरेंजमेंट हुआ है, नहीं, ऐसे 23 क्रोमोसोम, 23 हो रहा है, ऐसा ऐसा एक नहीं 23 हो रहा है। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर वन का जोड़ा है, ये टू का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, ये 4 का जोड़ा है। अब भाई ये मान लो कि एक फादर है और एक मदर है, मेरे अंदर जो ये वाला क्रोमोसोम आया है क्रोमोसोम नंबर वन में, हो सकता है मेरे अंदर ये मदर से आया हो, मेरे भाई में फादर से आया हो, मेरे अंदर ये वाला जो आया है फादर से आया है, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर फादर से आया हो, भाई के अंदर मदर से आया, बहन के अंदर मदर से आया। चलो मान लेते हैं कि मेरे अंदर भी मदर से क्रोमोसोम नंबर वन का ये वाला, मेरे भाई में भी मदर से, मेरे सिस्टर में भी मदर से, और ये वाला फादर से, चलो मान लीजिए, क्या ऐसा एक जोड़ा है, कहीं ना कहीं तो धोखा होगा, ये सर नो। अरे मियोसिस जब होता है, क्रोमोसोम जब अरेंज होता है प्लेट पर, तो 23 को तो रेंडमली अरेंज हो गया, ये सर नो, ये वाला इधर आएगा कि ये वाला इधर आएगा ये तो फिक्स नहीं है, फिर गैमिट भी कौन सा फ्यूज करेगा फर्टिलाइजेशन के दौरान ये भी फिक्स नहीं है,
मान लो कि पर्टिकुलर एक जोड़ा सेम रहा मेरा और मेरे भाई बहन, मान लिया, चलो मान लिया मैंने चोरी किया और अंजाम लग रहा है किसी और भाई पर, और भाई का फिंगर प्रिंटिंग मैच कराया गया क्रोम नंबर 1 से तो मैच कर गया, लेकिन वो फिर भी दावे कर रहा है कि दोबारा डीएनए टेस्टिंग है। क्यों दावे कर रहा है? क्योंकि वो चोरी किया ही नहीं, चोरी तो मैंने किया था, तो हो सकता है मेरा क्रोम नंबर 1 और 1 का दोनों का आपस में आरएफएसी मैच करे, तो दोबारा डीएनए टेस्टिंग होगा। इसलिए जब हम पहली बार डीएनए टेस्टिंग करते हैं ना, एक नहीं कम से कम 4-5 को सैंपल ले लेते हैं रैंडमली। जैसे उस दिन याद किया लिया था क्रोम नंबर 6, 2 और 17 ऐसा कुछ लिया था, याद है, रैंडमली ले लेते हैं। तो ऐसा ही मान लो कि ये वाला मैच कर गया तो कोई बात नहीं, अब 4 नंबर वाला एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो ये मैच कर गया, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिल ही जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 साथ 23 क्रोमजोम का भी आरएफएल की तैयार कर लेते हैं। काहे के लिए बार बार खर्चा करेंगे, एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि कहां सिमिलरिटी है कहां डिसिमिलरिटी है। मेरे पूरे 23 का आरएफएलपी एक साथ बनाओ, समझ रहे हो, इस पूरे 23 का आरएफएलपी एक साथ बनाओ, ये मेरे फादर या मदर में से किसी एक से मैच कर जाएगा, ठीक है, और इधर पूरे 23 का फादर या मदर में से किसी एक से मैच कर जाएगा, हाँ कन्फर्म कर जाएगा। लेकिन मेरा ये 23वां जो पूरा का पूरा 23 है, ये पर्टिकुलर 23 मेरे भाई से मैच नहीं करेगा और मेरे सिस्टर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस 23 में से कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे मदर से मिला हो, जो मुझे या तो फादर से मिला हो, लेकिन भाई बहन को किससे मिला ये बहुत अच्छा, इसी की तो संभावना है कि 10 बिलियन पर्सन मतलब 10 बिलियन प्रोबेबिलिटी है कि 10 बिलियन पर्सन में से 2% ऐसे हो सकते हैं जो अपना आरएफएलपी एग्जैक्ट सेम रख सकते हैं, इतना तो पॉपुलेशन नहीं है ऐसा। तो कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, मेरा जो आरएफएलपी है, मेरे मदर से 50% मैच करेगा। अगर मैं एक क्रोमजोम को लेकर बात करूं और ऐसे मैं एक एक क्रोमजोम का अलग अलग निकालूं, जैसे इसका निकाला तो उसमें से एक मदर से मैच किया एक फादर से, इसका निकाला एक मदर से एक फादर से, लेकिन जब मैं एंटायर निकालूंगा एंटायर 23 को 23ों का, तो वो मेरे भाई से भी मैच नहीं करेगा, मदर से भी मैच नहीं करेगा, इवन मेरे किसी फादर या मदर से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि उस 23ों में से कौन मुझे फादर से मिला कौन मुझे मदर से मिला ये तो रैंडम है, समझ रहे हो, वो तो फ्यूज कर गया ना, तो एक सेल के अंदर है ना, वो तो रैंडम है ना क्रोमोसोम। हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर जोड़ा का जब हमने आरएफएलपी किया तो उसमें से एक एग्जैक्टली फादर से मैच, एक मदर से मैच, लेकिन हम एक साथ सबका अगर आरएफएलपी एक साथ बना के रख दिए तो वो पूरा का पूरा 23 एक साथ अगर हम चेक करेंगे, ना ही मदर से ना ही फादर से मैच करेंगे, लेकिन एक एक करके अगर हम जोड़ा देखेंगे तो 50% सिमिलरिटी मदर से और 50% सिमिलरिटी फादर से। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो क्या आप इस बात को बेसिस बनाकर, इस बात को बेसिस बनाकर क्या सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? बोलो, निकाल सकते हैं, बोलो कैसे। मान लो मैं हूं, मेरा एक एक क्रोमोसोम का टेस्टिंग करो, मेरे फादर से मैच करा लो, कर सकता है क्या? हाँ करेगा, मदर से भी करेगा। मेरे भाई का करो एक एक क्रोमोसोम का टेस्टिंग और उसका फादर से मैचिंग कराओ, मदर से मैचिंग कराओ, 100% 50-50 मैच करेगा, करेगा ही करेगा, 50-50 फादर मदर से करेगा, ठीक है। मेरी सिस्टर का करा लो, उसका भी करेगा। अब बात करते हैं कि मैं और मेरी सिस्टर एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, इस बात का हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, दे सकते हैं कैसे? जब मेरा पूरा का पूरा एक एक जीनोम मेरे फादर या मदर से मैच किया 50-50 और उसका भी किया, तो ये इत्तेफाक तो कैसे, ये इत्तेफाक तो नहीं होगा। किसी दूसरे लड़की को ले आओ और उसका मेरे फादर से एक एक करके मैच कराओ तो क्रोमोसोम का मैचिंग नहीं होगा। अरे वो उसका बच्चा ही नहीं है, उसने उसको क्रोमोसोम दिया ही नहीं है, तब तो क्रोमोसोम देने का ही खेल है। इसका मतलब वो लड़की मेरी बहन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं भाई बहन में से किसी एक का भी जीनोम ले आऊं और मैं मैच करा लूं किससे, उसके पेरेंट्स से, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये उसका बच्चा है। अब कल को मुझे पता करना पड़े कि उसका भाई कौन है और उसका बाप जिंदा ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका और इसका
जैसे उसका तो हमने निकाल ही रखा है कि उसके पिता से सिमिलरिटी है फलना दिखना, तो उसका जीनोम हमें पता है क्या क्या है। उसका और इसका जीनोम काफी हद तक सिमिलरिटी दिखाएगा, 100% सिमिलरिटी तो नहीं दिखाएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना, हो सकता है क्रोमोजोम नंबर 1 एकदम सिमिलरिटी दिखा दे, 3 सिमिलरिटी दिखा दे, 5 सिमिलरिटी दिखा दे, लेकिन कई जगह डिफरेंसेस होगा। इसी भी आप तो दोनों अलग है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ज्योति, रिभा, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। रिभा, रिभा नहीं आई है मीटिंग में, नहीं है। ओ, आई ही नहीं है? अच्छा, नहीं। अतीक, समझ में आ रहा है जी? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा था, ठीक है, मेरे पेरेंट का मेरे से मैच किया, मेरे सिस्टर का मेरे पेरेंट से मैच किया, मेरे पेरेंट का मेरे मदर और फादर से पूरी तरीके से मैच किया, उसका भी किया। मेरी बहन और मेरा 100% सिमिलर तो नहीं होगा, लेकिन काफी सिमिलरिटी दिखाएगा, काफी सिमिलरिटी दिखाएगा। और यही तो बेसिस बनाया अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने का। पता, वो कई बार चकमा दिया था, कब मरा था ओसामा बिन लादेन? 2012 में ना, नहीं, 12 में मरा था क्या, या 11 में मरा था ना, 11 में फाइनली मारा गया था, 2011 में, ठीक है। हम लोग उस टाइम 9 में थे कि 10 में थे, 9 में थे शायद, 2011 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, 2011-12 के आसपास की बात है। मारा गया ओसामा बिन लादेन, ठीक है। अब उससे पहले कई बार पता है न्यूज में आ चुका था, 2008 में, कई बार 7 में न्यूज में आ चुका था, ओसामा बिन लादेन मारा गया। फिर पता चलता था आतंकी हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन चैलेंज कर दिया, ये मैं ही हूं। अब ये ब्रिटिश, मतलब कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट को कई बार चकमा दे चुका था ओसामा बिन लादेन, और सरकार इस बात से परेशान हो गई थी कि हम तो ओसामा क्यों ऐसे चकमा देता था। वो अपना हमशक्ल तैयार रखता था, हमशक्ल समझते हैं ना, वो अपना मैचिंग फेस तैयार रखता था, और जब भी आतंकी हमले होते थे तो वो जानबूझ के उस पर्सन को अगवा कर देता था और पुलिस के द्वारा पकड़वा देता था, और वो उसको फांसी मिल जाता था ओसामा बिन लादेन समझ के, और वो या तो शूट कर दिया जाता था और न्यूज में आ जाता था ओसामा बिन लादेन मारा गया। फिर कुछ दिन के बाद आतंकी हमला। अब सरकार इस बात से कंफ्यूज कि हम बार बार ओसामा बिन लादेन को मार दे रहे थे, फिर सामने कैसे आ रहा था। सरकार समझ गई कि धोखाधड़ी हो रहा है हम शकल को लेकर, फेस मैचिंग को लेकर, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो डीएनए टेस्टिंग कराना पड़ेगा, और अब जब भी मारेंगे किसी भी पर्सन को ओसामा बिन लादेन समझ के, तो उसका डीएनए पहले कंफर्म करेंगे कि ओसामा बिन लादेन है या नहीं। अब मैच कैसे करें? उसका माए बाप जिंदा नहीं था, ओसामा बिन लादेन माए बाप जिंदा नहीं, इवन उसका कोई रिलेटिव भी जिंदा नहीं था। जिस टाइम आखिरी बार रियल में ओसामा बिन लादेन मारा है, उस टाइम उसका रिलेटिव भी कोई जिंदा नहीं था। लेकिन उससे 4-5 साल पहले की बात है, उसकी बहन अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी सीरियस केस को लेकर, ठीक है। तो उसी दौरान, क्योंकि पता था लोगों, उसकी बहन का आतंकी हमले में कोई हाथ नहीं था, अमेरिकन गवर्नमेंट को एक बात पता था कि ये ओसामा बिन लादेन की सिस्टर है। हॉस्पिटल प्रशासन ने उसकी बहन का क्यूके से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करके रख लिया और अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दिया, ये हॉस्पिटल प्रशासन ने किया था, ठीक है, ताकि अब कभी पकड़ाएगा ना ओसामा बिन लादेन तो मारने से पहले कंफर्म कर लेंगे कि यही ओसामा बिन लादेन। रख लिया उसके सिस्टर का फिंगरप्रिंट, अनफॉर्चुनेटली उसके सिस्टर का बाद में डेथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 2011 बोले ना, 11 के आसपास ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया इस पर, और इस बार फिर से वही बात, हर बार की तरह 3-4 बार ऐसे ही मारा गया है लोग, बाद में पता चलता ओसामा बिन लादेन जिंदा है। अमेरिका का कई बार बेइज्जती हो गया इस चक्कर में, कई बार बेइज्जती हुआ उसका। इस बार क्या क्या, वो उसको मारने से पहले उसका डीएनए टेस्टिंग कराया और उसके सिस्टर के डीएनए फिंगरप्रिंट से मैच कराया, और काफी सिमिलरिटी देखने को मिला, काफी सिमिलरिटी। और इत्तेफाक देखो, जिस जिस क्रोमोजोम पर जिस जिस तरीके का अरेंजमेंट उसके सिस्टर में था आरएफएलपी का, एग्जैक्ट उसी तरीके से अरेंजमेंट उसके भाई ओसामा बिन लादेन, ऐसा किसी अदर
सिबलिंग में तो नहीं हो सकता, दोनों सेम पेरेंट के तभी ऐसा मिल रहा है, अदरवाइज मेरा क्रोमोसोम 1 और तुम्हारा क्रोमोसोम 1 वो यार एफएलपी सेम नहीं दिखाएगा। हाँ मेरा क्रोमोसोम 1 मेरे भाई बहन के साथ सिमिलरिटी दिखा सकता है, 1 नहीं दिखाए तो कोई और दिखाएगा, लेकिन कई सारा क्रोमोसोम दिखाएगा सिमिलरिटी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं दिखाएगा, तुम्हारे और मेरे क्रोमोसोम में पूरी तरीके से डिफरेंस, लेकिन मेरे भाई और मेरे बहन में कुछ सिमिलरिटी तो है। तो फिर क्या किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस दोनों डीएनए फिंगरप्रिंट को पब्लिक कर दिया, पब्लिकली उसको दिखा दिया लोगों को कि देखो भाई इस बार जो लोग पकड़ाया आतंकी हमले में वो ओसामा बिन लादेन ही है। क्यों है? क्योंकि हमने इसके सिस्टर का फिंगरप्रिंट पहले ही तैयार रखा था, हमारे अमेरिका के हॉस्पिटल में इसके सिस्टर पहले एडमिट हुई थी और हमने इसका फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया था, इस बात का भी एविडेंस है हमारे पास, और अब हम इसको शूट कर रहे हैं और फाइनली ओसामा बिन लादेन को अब हम मार रहे हैं। 2011 के आसपास की बात है, आज 2021, इस 10 साल में फिर कोई ऐसा आतंकी हमला नहीं हुआ जिसमें नाम ओसामा बिन लादेन का आया। अब हम मान सकते हैं कि सच में ओसामा बिन लादेन था। और वैसे भी जब अमेरिका ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देके बता दिया तो अब क्या शक करता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो एक लेडी और एक जेंट्स का मैच कर रहा हो, वाकई वो दोनों भाई बहन थे, और ओसामा बिन लादेन के सिस्टर तो ये बात एक्सेप्ट करती थी कि मेरा भाई आतंकी है, लेकिन मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, ठीक है। तो फाइनली देखो ये पैटर्निटी टेस्टिंग में ही आएगा, ओसामा बिन लादेन का केस क्राइम सीन में नहीं आएगा, आतंकी हमले में आप किसी का जाके छुरा भोंक के मर्डर नहीं कर रहे, आप तो गोलियां चलाते हो, आप तो बम मारते हो और भाग जाते हो वहां से, तो आप क्रिमिनल सीन से आपका सैंपल थोड़ी ना कभी मैच करने वाला है, आप तो सूट बूट भी पहन के जाते हो और फिर हमला करके आते हो तो खोल के भाग जाते हो। तो कुल मिला के सब बात यह है कि पेटर्निटी टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूज किया वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज किया। यहां जाके आपका फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समाप्त होता है। एनसीईआरटी में एक और एप्लीकेशन दे रखता है जो मैंने आपको कल बताया भी था, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में हमें कई बार डीएनए फिंगरप्रिंट हेल्प करता है इवोल्यूशनरी स्टडीज कि ह्यूमन किससे इवॉल्व किया है, इसका क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है, फिर उसका क्लोजेस्ट कौन है, ये इवोल्यूशनरी लाइन को डिसाइड करने में डीएनए फिंगरप्रिंट हमें काम आता है। हम जैसे मान लिया जाए कि जैसे ह्यूमन है, एक ह्यूमन में एक कम्युनिटी में कौन ह्यूमन कम्युनिटी पहले इवॉल्व किया है, कौन बाद में इवॉल्व किया है, किसका किससे ज्यादा सिमिलरिटी मैच करता है, ये सब कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमें पता चलता है। बाकी इसके बारे में डिटेल चर्चा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे यूजफुल होता है। फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समाप्त हुआ, मिलिए अगले मीटिंग में, और अगले मीटिंग में हम आपको पढ़ाते हैं जीनोमिक्स, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। ज्योति ज्योति नो सर। अतीक नो सर। चलिए मिलिए अगले मीटिंग में, इसको पढ़ के खत्म कर लीजिए जल्दी से।